पर सरकार से सवाल पूछते पूछते कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लपेट लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो दोनों को राज्य में शूटिंग करने नहीं देंगे। नाना पटोले ने कहा कि दोनों महंगाई के मुद्दे पर खामोश रहते हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो दोनों खूब बोलते थे और अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार है तो दोनों चुप है। अगर दोनों इस पर नहीं बोलते हैं तो हम अमिताभ बच्चन की फिल्मों की शूटिंग और फिल्मों को रिलीज होने नहीं देंगे महाराष्ट्र में। ये धमकी है महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उन्होंने कहा है तो ये अमिताभ बच्चन अक्षय खूब ट्वीट किया करते थे, लेकिन अभी चुप्पी साध ली है नाना पटोले के इस बयान पर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है, कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई किसी को महाराष्ट्र में शूटिंग करने से रोक दे। फडणवीस ने कहा कि कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए सितारों को टारगेट कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। आइए आपको सुना देते हैं नाना पटोले ने आखिर क्या कहा है जिसको लेकर ये बवाल छिड़ गया है। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो अक्षय कुमार जी हो ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे, ये भूमिका कांग्रेस लेंगी। को ये पता है कि अमिताभ जी या अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है। नए नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है तो उनको लगता है कि चलो दिन भर की पब्लिसिटी इनके नाम से मिलती है। कौन बंद कर सकता है, कैसे बंद कर सकते हैं? लोकतंत्र है, कानून का राज है। आप सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष होंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक हो गए। मालिक को जैसे अधिकार थोड़ी मिले हैं।